वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका नाम वन पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक पॉइंट और एक स्लोप इस्तेमाल होती है, इनको यूज़ करते हुए हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट पी है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन है और ये वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है, और इस लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास एम है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। लाइन जो है वो एक पॉइंट में से पास कर रही है और उसकी स्लोप एम है, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई वन रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे एम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे एक्स वन, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट माइनस टू फाइव एंड हैज द स्लोप 3/7, ठीक है। एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास जो स्लोप है वो 3/7 गिवन है और ये पॉइंट पे से गुजरती ही है, ठीक है। जब इसका सलूशन करेंगे तो हमें जो डाटा गिवन है वो लिख लेते हैं। स्लोप हमारे पास 3/7 गिवन है जो यहाँ से आ गया, और ये जो पॉइंट था माइनस टू फाइव, ये आपके पास एक्स वन वाई वन पॉइंट्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स वन की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस टू है, वाई वन की वैल्यू यहाँ से फाइव आ गई। इस डेटा को यूज़ करते हुए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा इक्वेशन फाइंड करने का वो ये है, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और एक स्लोप है इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली वाई वन की जगह पे ये फाइव, एम की जगह पे ये ऊपर जो 3/7 गिवन था वो रिप्लेस किया है, और एक्स की जगह पे ये माइनस टू। इसके बाद बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। ये जो सेवन है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम ना इक्वल के जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, सेवन इंटू वाई माइनस फाइव, और ये थ्री एज इट इज़ ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू आ गया। इसके बाद इस सेवन को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, सेवन वाई और ये माइनस थर्टी फाइव, सिमिलरली थ्री को मल्टीप्लाई किया, थ्री एक्स और ये सिक्स। अब यहाँ पे देखें दो जगह पे कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, एक जगह पे 35 है, एक जगह पे ये 6 है, तो हम क्या करते हैं 7y को, ये जो 7y इसको इधर रहने देते हैं, 35 को उठा के उधर शिफ्ट करें तो जाके ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये 6 और 35 को ऐड किया है तो ये हमारे पास 41 आ जाएगा ऐड होके, ठीक है। ये 3x एज इट इज़ है, 7y एज इट इज़ है। अब एंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 7 को ख़त्म करना है, तो जिस वैल्यू को ख़त्म करना होता है हम पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर देते हैं। ये देखें ज़रा, यहाँ से 7y को डिवाइड करेंगे तो 7y/7 तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3x/7 और यहाँ पे 41/7, ठीक है। पूरी इस वाली इक्वेशन को ना आपने 7 से डिवाइड किए, इसके नीचे 7 आ गया, इसके नीचे 7 आ गया, इसके नीचे जब 7 लिखेंगे तो ये 7 से कैंसिल होकर खाली y आ जाएगा, यही आंसर है हमारे पास। 2-point form, अगर हमारे पास ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट P में से गुजर रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो इसकी अगर हमें स्ट्रेट लाइन ये जो बन रही है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, स्लोप नहीं है। तो इसका एक तो मेथड ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लोप निकाल लें, ठीक है। जब ये स्लोप निकाल लेंगे इस मेथड से तो उसके बाद ये जो पॉइंट x1 y1 है एक पॉइंट आ जाएगा और ये एक हमारे पास स्लोप होगी। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि आप के पास यहाँ पे जब स्लोप आ जाएगी तो आप चाहे इन दोनों को इस्तेमाल कर लें, पॉइंट P और स्लोप M, या फिर आप ये पॉइंट Q और स्लोप M, इसको इस्तेमाल करते हुए भी आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आपको एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो ये आ जाएगी, पॉइंट दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो भी आप पॉइंट इस्तेमाल करेंगे उसका नया नाम आप रख लेंगे x1 y1 और ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा एक टू पॉइंट स्लोप फॉर्म का ना एक फार्मूला और भी है, ये जो m का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ m की जगह पे, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली मैंने क्या किया, इस m की जगह पे मैंने ये फार्मूला लगा दिया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो y2 माइनस y1 है इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये इसके नीचे आ जाएगी इस तरीके से y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1। तो इधर जो है ये रह जाएगी x माइनस x1 और इसके डिवाइज़र में ये x2 माइनस x1, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए, या फिर आप ये वाला तरीका जो कि आपकी बुक में भी मौजूद है कि पहले आप स्लोप निकाल लें उसके बाद ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें, बहुत आसान है। इसके एग्जांपल देखते हैं, ये पॉइंट ए और ये बी है, इन दोनों पॉइंट से गुजरते हुए हमें लाइन फाइंड करनी है टू पॉइंट स्लोप फॉर्म के थ्रू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो इसमें से हम पहले डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो पॉइंट ए है यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 और y1, और जो पॉइंट बी है फ्रॉम पॉइंट बी वी हैव x2 1 और y जो इसमें 7 आ जाएगा। इनको इस्तेमाल करते हुए ये जो x1 y1 हमने यहाँ पे जो लेट किया है ये a और b से हमने स्लोप निकाल ली, और यहाँ पे देखें जो ये y1 की वैल्यू है -3 है, इसको जब यहाँ पे रिप्लेस किया -3 तो सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 आ गया, और ये 1 माइनस 2 किया तो ये -1 आ गया, ऊपर प्लस का 10 आ जाएगा, नीचे -1 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी ना स्लोप फाइंड कर ली है, ठीक है, स्लोप आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ए या बी दोनों में से अपनी मर्जी या जो मर्जी पॉइंट यूज़ करें, ठीक है, एक पॉइंट यूज़ कर लें और यहाँ पे जो स्लोप है इसको इस्तेमाल कर लें, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पॉइंट ए को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये मेरे पास फॉर्मूला था वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन, इधर एक्स वन वाई वन और ये जो एम की मैंने ये वैल्यू निकाली ये रिप्लेस कर दी है, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस टेन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें सिर्फ एक वैल्यू 3 है, इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, उधर आके -3 हो जाएगा, और इनको प्लस माइनस करेंगे ना 20 को और 3 को तो ये प्लस का 17 आ जाएगा, और यही आंसर है हमारे पास। इससे ज़्यादा मज़ीद आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके से दो लाइन्स हैं, ये लाइन 1 है इसकी स्लोप m1 है, और ये लाइन 2 है इसकी स्लोप m2 है, अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, दोनों की स्लोप सेम होगी, ठीक है। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, सेम होगी। इसमें होता क्या है कि जब इस तरीके से इनका एंगल चेक करते हैं हम एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्सिस है तो दोनों का जो यहाँ पे एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ वो सेम होगा, सेम एंगल होने की वजह से उनकी स्लोप सेम हो जाती है। और अगर ऐसा हो कि हमें इसकी स्लोप नहीं पता, लाइन वन की स्लोप m1 है, लाइन टू की स्लोप अगर हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम आंखें बंद करके कह सकते हैं कि इसकी स्लोप भी m1 ही होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप सेम होगी। अगर इसकी स्लोप m1 है तो इसकी स्लोप भी m1 होगी, या जैसे ये कह लें m1 = m2। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो पॉइंट ए ऑफ 3, 5 में से पास कर रही है और पैरेलल टू द लाइन दिस, इस पॉइंट में से गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट में से गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन की जो स्लोप और जो हमारी रिक्वायर्ड वाली लाइन है उसकी स्लोप आपस में इक्वल होगी पैरेलल होने की वजह से।
तो हम क्या करेंगे, स्लोप को यहाँ से निकालेंगे। जब यहाँ से स्लोप निकलेगी तो ये m और ये पॉइंट x1 y1, इसको यूज़ करते हुए हम इक्वेशन निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट था ये, इसमें से हमारे पास x1 y1 आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को इस्तेमाल करते हुए देखिए हम स्लोप कैसे निकालते हैं फ्रॉम द गिवन लाइन। यहाँ से स्लोप निकालने के लिए मैं करता हूँ 3y को उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे ना वाई चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड। अब जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाई का 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अगले स्टेप में मैं क्या करूँ, इस वाई को उठा के मैं इधर शिफ्ट करूँ, ये इस तरीके से, बाकी और कोई चेंज नहीं। अगर आप इधर भी लिखा रहने दें तो एक ही बात है। अब यहाँ से देखें, ये जो एक्स वाली वैल्यू थी, ये वाली, इसमें जो भी एक्स के साथ उसका कोफिशेंट होता है ना, वो बेसिकली स्लोप होती है, ठीक है। वो जो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ई, तो इसको अगर हम इस वाली वैल्यू से कंपेयर कर लेना, तो जो एक्स के साथ जो भी कोई लिखा होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा एम। तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ गई एम, स्लोप ये आ गई है, क्योंकि लाइन्स हमारी पैरेलल थी ना, ये गिवन वाली लाइन थी और एक हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, तो दोनों लाइंस क्योंकि पैरेलल हैं तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी यही होगी, ठीक है। हमने लिख भी दिए एज लाइंस आर पैरेलल, सो हमारे पास स्लोप ये आ गई है, पॉइंट x1 y1 ये है हमारे पास था। इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, जो फॉर्मूला था 1 पॉइंट स्लोप वाला, उसमें आपने m की और x1 y1 की वैल्यू लगा दी। सारा सोल्यूशन वही किया आपने कि 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे सिंप्लीफिकेशन है, ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है।